रविवार को स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-723 के इंजन में आग लग गई। विमान पटना से दिल्ली जा रही थी। आग लगने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई है। आग लगने से इंजन में धुआं निकलने लगा। विमान ने रविवार को दोपहर 11:55 पर उड़ान भरी थी, जहां 12:20 पर विमान में धमाके के साथ आग लग गई। 10 मिनट बाद ही पायलट की सूझबूझ के साथ विमान को एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया। मामले में DGCA ने कहा है कि पक्षी के टकराने से इंजन में आग लगी, जिसके बाद विमान की सेफ लैंडिंग करवाई गई। सभी यात्री एयरपोर्ट के अंदर ही हैं। वहीं दूसरी फ्लाइट से सभी को शाम 4 बजे दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है। फ्लाइट में कुल 185 यात्री सवार थे। फिलहाल यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं किसी के घायल होने की किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। अधिकारियों का मामले में कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इंजन में आग किस वजह से लगी है। मामले में स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि पटना दिल्ली स्पाइसजेट फ्लाइट का कॉकपिट क्रू रोटेशन के दौरान टेक ऑफ के बाद इंजन नंबर 1 पर संदिग्ध पंछी से टकरा गया। एहतियात के तौर पर फ्लाइट कैप्टन ने इंजन नंबर 1 को बंद कर दिया और पटना लौट गए। उड़ान के बाद के निरीक्षण से पता चलता है कि पक्षी की चपेट में आने से 3 पंखे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एयरपोर्ट में उड़ान भरते ही उसमें तेज धमाका हुआ। आवाज इतनी जोरदार थी कि सभी सहम गए, जिसके बाद आग की लपटें उठने लगी। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद पटना के सभी बड़े अफसर एयरपोर्ट पर पहुंचे। मामले में SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि विमान के एक विंग में आग लग गई थी। DM चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि यह बर्ड हिट का मामला हो सकता है। फिलहाल जांच कराई जा रही है। फ्लाइट में बैठे हुए एक पैसेंजर ने कहा कि विंडो से स्पार्क निकलता हुआ दिख रहा था। हम लोग विंडो साइड में बैठे थे, आग का स्पार्क साफ दिखाई दे रहा था। और इसी दौरान पायलट ने कहा स्थिति अंडर कंट्रोल है और तब जान में जान आई। महिला यात्री ने बताया कि टेक ऑफ के 10-15 मिनट बाद ही समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फ्लाइट में बहुत आवाज़ आ रही थी। प्लेन कभी राइट तो कभी लेफ्ट हो रही थी। थोड़ी देर के लिए वो बहुत डर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज़। स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी 12:10 पर। टेक ऑफ करते ही उसके बाएं दाहिने में आग की सूचना मिली। स्थानीय लोगों ने नीचे से देखा और जिला प्रशासन को फोन किया और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट में बताया और तुरंत यहां पहुंचे। फिर पायलट ने भी अपना उसका जो मैकेनिज्म है उससे नोटिस किया। उसके बाद फ्लाइट को वापस पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया, सेफली लैंड कर गई और सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है।